लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। गांव में फैली राशन किरासन की रार, प्रधान व ग्रामीणों में ठनी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी। यूपी के जनपद महाराजगंज के विकास खंड निचलोल के ग्राम सभा भगवानपुर में सरकारी राशन को लेकर रार बरकरार है। एक तरफ ग्रामीण जहां राशन प्रधान द्वारा नहीं दिए जाने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं प्रधान ग्रामीणों के आरोपों को खारिज कर रहे हैं। मामला यह है कि बाहर से प्रवास कर आए हुए लोगों का आरोप है कि उन्हें ब्लॉक से राशन और मनरेगा योजना के तहत रुपए दिए जाने का आदेश है। क्वारंटीन खत्म हो जाने के बाद जो मिलना है पर उन्हें मिल नहीं रहा है, बल्कि दूसरे अपने चहेतों को प्रधान दे रहे हैं, उनके हक पर डाका डाला जा रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीण फोन के माध्यम से लगातार अफसरों और विभाग के आला अधिकारियों से कर रहे हैं, पर उनकी कोई सुन नहीं रहा है और उनके नाम का राशन ग्राम प्रधान व लेखपाल द्वारा ब्लॉक से उठान कर गायब कर दिया जा रहा है। मांगने पर भी उनके हक का राशन नहीं दिया जा रहा है तथा कई बार भूमिहीनों को दे दिया गया है का बात का पल्ला झाड़ लिया जा रहा है। इस बाबत सेटेलाइट न्यूज ने विभाग और अफसरों से पड़ताल किया, तब पता चला कि ग्रामीणों का आरोप सही है कि उनके हिस्से के राशन का उठान हुआ है, तो वहीं कुछ ग्रामीणों को राशन मिला भी है पर अधिकतर ग्रामीण राशन नहीं प्राप्त कर पाए हैं और उन्हें मिल नहीं रहा है। वहीं प्रधान से जब उक्त विषय पर बात किया गया तब आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नहीं, राशन दिया जा रहा है, आरोप निराधार है, जिसे लेकर ग्रामीणों व प्रधान में रार बरकरार है और ग्रामीण बेहद आक्रोशित हैं और हक न मिलने पर आला अफसरों से शिकायत के साथ प्रदर्शन करने की बात कही है। भगवान की कराने वाला हूं और मेरे को 12 दिन आके हैदराबाद से आया हूं और जो सरकार वादा किया है जो राशन और पैसे का कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम लोग आए प्रधान से पूछ रहे, तो बोले जाओ ब्लॉक में जाओ, अपने हाथ से फार्म लाओ, ये लाओ वो लाओ करो। हम लोग कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, यही समस्या है सर। कितने लोग हैं इसमें अभी? अभी तो मैं अकेला अपने घर का फिलहाल अकेला हूँ और बाकी गांव का बहुत 40-50 आदमी है। जितेंद्र यादव नाम है, भगवानपुर का रहने वाला हूँ। समस्या ये है, जिस दिन हम लोग आए उसी दिन प्रधान आए नहीं, आए तो देखे भी कुछ पूछे भी नहीं। और रही बात ये, सरकार जो सुविधा दे रही है उस सुविधा नहीं दे रहे हैं, जैसे राशन मिल रहा है जो बाहर के आए हैं उनके, और पैसा भी मिल रहा है वो भी नहीं कुछ कर रहे हैं, नाम भी नहीं लिख रहे हैं, फार्म भी नहीं भर रहे हैं। साफ सफाई को लेके क्या समस्या हो रही है? साफ सफाई हम लोग अपने हाथ से करते हैं, एक दिन भेजे थे कल वो घास छील करके रख दिया, वहाँ रख दिया, वहाँ रख दिया, दो जगह रखा है। और भी किस तरह की समस्या हो रही है? एक दूसरा समस्या नहीं, हम लोग केवल वो राशन चाहिए और जो पगार भर रहा है नरेगा का दिन मिला वही चाहिए। किस तरह की समस्या हो रही है? समस्या ये है कि हम परसों ब्लॉक पे गए थे मंडे को, तो सिक्योरिटी से बात हुई कि राशन, मैंने पूछा कि राशन आया है क्या जो क्वारंटाइन में रहे, तो बोले हाँ राशन आया था, हमने पैकेट वितरित कर दिया है ग्राम भगवानपुर का, अभी आएगा तो सबको मिलेगा, ऐसा बोले वो। तो जो क्वारंटाइन थे लोग, क्या उन लोगों को राशन मिला है? उन लोगों को नहीं मिला है, अभी ये सामने है, नहीं मिला अभी तक। मैं नहीं मिला है। विशाल नाम है, विशाल गांव। आपको राशन मिला है? नहीं नहीं मिला। कितने दिन थे आप क्वारंटाइन? 14 दिन थे। 14 दिन रहने के बाद भी आपको राशन नहीं मिला? नहीं मिला। क्या प्रधान जी क्या बोले हैं? प्रधान जी बोल रहे हैं अभी तो जो आया है वो नहीं मिलेगा। आप किस डेट को आए थे आप? मैं अप्रैल को आया था, पहली अप्रैल को आए थे। हाँ। अब घर कब गए थे? घर गया था 15 तारीख को। 15 अप्रैल को? हाँ। राशन को लेकर कुछ लोगों का शिकायत है कि जो क्वारंटीन के लोग थे उनको राशन नहीं मिला है, बाकी उन लोगों का कहना है कि प्रधान जी के जो चहेते हैं राशन उनको दिया जा रहा है। इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, सबको मिल रहा है राशन, नियम के अनुसार सबको भरपूर राशन मिल रहा है। बाहर से आए थे, 14 दिन रह चुके हैं, फिर अपने घर गए, उनका राशन मिल चुका है? उनका राशन मिल चुका है जो ब्लॉक से आया था ना जी। हाँ। अभी एक लड़का था जो क्वारंटाइन किया गया था, जो अभी अपने घर चला भी गया, उसको कहना है कि उसका राशन अभी तक उसको मिला नहीं है और उसके हक का राशन किस रूप में दिया जा रहा है? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, हो सकता है 5 पैकेट आया था वही सबको दे दिया गया। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलोल से राजेंद्र यादव, धीरज वर्मा की रिपोर्ट।